22 जनवरी 1961 को पैदा होते हैं, 9 अप्रैल 1900 1626, 1561 में आते हैं, 1626 में आते हैं। फ्रांसिस बेकन फर्स्ट विस्काउंट सेट एल्बन्स, एक जो पीसी लिखा है इसका मतलब होता है प्राइवेसी काउंसिल, और क्यूसी जो होता है क्वेंसिस सी, आल्सो नोन एज द लॉर्ड वर्लम, वाज एन इंग्लिश फिलासफर एंड स्टेट मैन हु सर्व एज अटॉर्नी जनरल एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। बेकन लेड द एडवांसमेंट ऑफ बोथ नेचुरल फिलासफी एंड द साइंटिफिक मैथड, एंड हिज वर्क रिमेन इन्फ्लुएंस इवन इन द लेट स्टेज ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था। बेकन हैज कॉल्ड द फादर ऑफ एपिमेरिज्म है ना, एपिमेरिज्म जानते हैं ना, जो गागर सागर वाला, वही जैसे है ना, एपिमेरिज्म, इम्पेरिमिज्म होगा ना, इम्पेरिमिज्म, जो जैसे उसके हैं। फिर ही अफोरिस्टिक स्टाइल होती है। अफोरिस्टिक स्टाइल वही है। फिर ही आर्गू फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बेस ओनली अपॉन द इंडक्टिव रीजनिंग एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट इन नेचर। फिर हिज एसे पैक विद द एफोरिज्म, साइंटिफिक स्टडी के लिए यही दिवस बताते हैं, हर बार यही कहते हैं कि मुर्गी ठंडवा रहे थे, अपना खुद ही ठंडा इनको फ्रांसिस बेकन को, गए। हाँ यही हर बार कहते हैं, क्लासों में कहते हैं मुर्गी ठंडवा रहे थे, हाँ अपना ही तो ठंडा गए। कई कई चीज़ें हैं ना, उनका असर बताते रहते हैं, याद रह जाता है। यही जो ये वाला बताए थे कि 97 12 25 पिन कोड याद कर लीजिए, और 10 38 58 जो है एस्से कलेक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, ये सब सर बताए। फिर हिज एस्से वाज पैक विद द एफोरिज्म एंड एपिग्राम, एपिग्रामेटिक स्टाइल जिसे, इसके लिए फेमस भी हैं। वी गेट लैटिन एंड ग्रीक क्वोट्स इन हिज एस्से स्पेशली फ्रॉम द बाइबल से जो लिया गया है। फिर एलेक्जेंडर पोप कॉल हिम द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट मीनेस्ट ऑफ में मैनकाइंड, ये उसमें आया था। हाँ एंटीथेसिस। मैनकाइंड इंटेसिस, ये उसमें आया था TGT में, शायद क्वेश्चन पूछा गया है। बेकन हैज सेड अबाउट हिमसेल्फ, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज ऑफ माई प्रोविंस। फिर है बेकन वाज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, इनको कौन कहा था, ह्यू वॉकर कहते हैं ना, और यही उनको चार्ल्स प्रिंस लैम को कौन? प्रिंस कहते हैं। फिर द नोआन और ऑर्गनम फुली है, नोआम ऑर्गनम सिव इंडिका वरा डी इंटरप्रिटेशन नेचर्स दिया है, आर इंटरप्रिटेशनल मैनेजमेंट वेरिस, ये नाम है उसका पूरा, फुली टाइटल है, नॉम ऑर्गन का है ना इनका वर्क, तो उसी फुल टाइटल, नोम हाँ तो इसका फुल टाइटल है। आर्गम। इज द फिलासफिकल वर्क फ्रांसिस बेकन रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश इन, मतलब लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, पब्लिश होता है इंग्लिश में 1620 में। 20 में। ठीक। फिर बेकन फिलासफी इज डिस्प्लेस इन द वेस्ट एंड वेरी, मतलब राइटिंग ही लेफ्ट व्हिच माइट बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रेट ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस इसमें बताए हैं। पहला है साइंटिफिक वर्क, दूसरा है रिलीजियस एंड लिटरेरी वर्क, और तीसरा है ज्यूरिडिकल वर्क, ज्यूरी से जो मतलब हो ना। फिर एस्से इनका जो है पहला फर्स्ट एडिशन आता है, 10 एस्से रहता है जिसमें, 1597 में आता है, और सेकेंड एडिशन आता है 38 एस्से रहता है, और 1612 में आता है। थर्ड एडिशन फाइनल एडिशन आता है, 58 एस्से रहता है, 1625, वही 97 12 25 10 38 58, और जो ये है ऑफ फ्रेंडशिप, और ये शायद पहले में ही आता है ना, ऑफ ट्रूथ नहीं, ऑफ क्या है, ऑफ फ्रेंडशिप है, ऑफ स्टडीज है, आप स्टडी। ऑफ स्टडी है। फिर द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इनका वर्क है, 1605 में आता है, द न्यू एटलांटिक 1627 में आता है, यूटोपियन वर्क है ये। फिर आता है ऑफ स्टडीज 1597 में, रिटर्न होता है 1612 में, नहीं अपियर होता होगा, अपीयर होता है। री अपियर जिसे कहते हैं, पहले 97 में आया ही था, फिर उसमें आता है, री अपियर होता है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1597 एंड लेटर रिवाइज अनदर एडिशन बेकन एस, यानी दूसरे वाले में जब आता है। फिर अकॉर्डिंग टू बेकन स्टडी गिव डिलाइट टू द लोनली, प्रोवाइड्स चार्म टू द कंजर्वेशन एंड डेवलप द एबिलिटी टू डिस्चार्ज बिजनेस ऑफ लाइफ। फिर है एक्सेस ऑफ स्टडी आर अनडिफरेबल एज दे टर्न टू मेक मैन स्लो, दियर कंजर्वेशन इज अफेक्टेड, बिजनेस ऑफ लाइफ टर्न आइडियलिस्टिक एंड अनरियल, स्टडी हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ नेचर स्किल।
नेचुरल स्किल कहा जाएगा, नेचर नहीं, नेचुरल स्किल। द हैबिट ऑफ रीडिंग मेड अ पर्सन फुल ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। द हैबिट ऑफ राइडिंग राइडिंग टू मेक हिम फ्रेश एंड सिस्टमेटिक इन द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज आइडिया। द हैबिट ऑफ डिसेक्शन मेक हिम अ गुड एंड इफेक्टिव सेलिब्रेट रेडली एंड आर्गूमेंट। द एसे ऑफ स्टडी फोकस द स्टडी ऑफ इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सक्सीड इन लाइफ। जब एसे पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया से क्लियर है। हाँ वैसे मेन मेन पॉइंट है ये, बस ये वाला पॉइंट सही है कि द एसे स्टडी फोकस द स्टडी ऑफ इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सक्सेस इन लाइफ। द थीम ऑफ स्टडी है एजुकेशन है नॉलेज है एंड बैलेंस। दूसरा एसे था ऑफ फ्रेंडशिप, रिटर्न होता है 1612 में और री जब पब्लिश होता है 1625 में। पहले एक बार आता है 12 25 ईसा, वही दोबारा आता है दस उसमें दस 38 दस 38 58। 10 58 ठीक है। पहले में 28 जुड़ता है फिर 20 जुड़ता है। अब प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज द एज एंड द डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द हार्ट व्हिच पासिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉज एंड इंड्यूस। फ्रेंडशिप इज डिवोटेड रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल। दे बोथ फील इमेंस केयर एंड लव ऑफ ईच अदर। फिर है द थ्री फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप बताए हैं फ्रांसिस बेकन इसमें। क्या है एलिजमेंट दिया है सेफली एंड ट्रस्ट, तीन चीज़ें बताए हैं फ्रांसिस बेकन। एक्सप्लेन द लास्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप लाइक द प्रोमग्नेट। प्रोमग्नेट होता है जैसे सौ वो रहता है ना वही, वो चीज़ फुल ऑफ मेनी कर्नल्स जो दाने होते हैं ना उनके, उसी तरह हैं। फिर हिज मीन इज दैट फ्रेंडशिप प्ले ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल एक्शन एंड ओकेजन इन द मेंस लाइफ। थीम इसका है वैकन डिस्कस प्राइमरली दियर सॉरी प्राइमरली थ्री बेनिफिट्स ऑफ द फ्रेंडशिप इन ह्यूमन लाइफ। पहला है फर्स्ट इज फ्रेंडशिप ऑफर द कंपेनशिप फॉर द एलिंग एंड डिस्टर्बिंग हर्ट, पहला इसके लिए है। दूसरा है द सेकेंड बेनिफिट ऑफ द फ्रेंडशिप गाइड अ मैन इन द मोरल एंड बिजनेस आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फिर थर्ड है थर्ड वन इज द फ्रेंड कैन हॉस्टल, क्या है हॉस्टेलिटी असिस्ट अस, हॉस्टेलिटी जब होता है उसको असिस्ट कराते हैं। फिर द मेन आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप द की टू हैप्पीनेस इज फ्रेंड प्रिवेंट आइसोलेशन एंड लोनलीनेस एंड गिव यू अ चांस टू ऑफर नीड कंपेनशिप। खत्म।